अब तो यहाँ पर ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। आपने कई सारे क्वेश्चन देखा होगा, ये सेवन का इवन, तो सेवन का क्वेश्चन है कि दो, ऐसे बोलता है देखो, दो का 2/3 क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपने सेवन क्लास से पढ़ा होगा, ठीक है? और आपने पढ़ा होगा तो जो ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा कि 2 का 2/3 क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जहां भी का लिखा होता है वहां पर आप क्या करते हो, मल्टीप्लीकेशन का निशान बना देते हो। इट मीन्स 2 × 2/3 यहाँ पर आप कर देते हो। हाँ जी भैया, हम ऐसे ही करते थे कुछ। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब होता है का, या ऐसे कह सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन का एक प्रो वर्जन है। ओके, बस आपको यह याद रखना है कि डिवीजन से पहले अगर ऑफ लिखा हो, डिवीजन और ऑफ दोनों लिखा हो, तो आपको मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है। आगे बात समझ में कोई डाउट तो नहीं आता? डाउट जल्दी से अपने अपने फटाफट फास्ट। अगर मल्टीप्लीकेशन लिखा हो, मल्टीप्लीकेशन देखो पहले आपका डिवाइड आता है फिर मल्टीप्लीकेशन आता है, अगर पर ऑफ आ जाए तो पहले आपको ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद बोर्ड मास हमें ये सिखाता है कि पहले हमें क्या चीज सॉल्व करना है। जैसे सपोज मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया 2+ में, क्वेश्चन आपके लाइव बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पर मैंने सपोज क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, ये ना, ठीक है, मान लीजिए सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, प्लस कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है? अब इसका आंसर क्या आएगा, आप किसी को ये नहीं पता होगा कि पहले प्लस करते हैं, पहले गुणा करते हैं, पहले जमा करते हैं, क्या करते हैं, तो आप गलती कर दोगे। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको ये सीखने को मिलता है कि पहले जमा करते हैं, पहले घटा करते हैं, कि पहले गुणा करते हैं, कि पहले भाग करते हैं। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा भैया, तो ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। क्या इस क्वेश्चन में ऑफ दिख रहा है क्या भैया? नहीं दिख रहा भैया, तो ऑफ को ही छोड़ देंगे। क्या इस क्वेश्चन में डिवाइड दिख रहा है, डिवीजन? नहीं है भैया डिवाइड, तो डिवाइड को छोड़ देंगे। क्या इस क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन है? हाँ जी भैया, मल्टीप्लीकेशन तो है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करेंगे। इट मीन्स 2+4 = 12 + 2 आप करना है, उसके बाद आपको एडिशन, उसके बाद करना है एडिशन। पहले एडिशन करोगे तो गलती हो जाएगी। कैसे गलती होगी? जो मान लिया आपने इसको ऐड कर दिया, 4 × 2 = 6 कर दिया, फिर गुणा का निशान, 3 × 2 = 5 कर दिया, कुछ और आंसर आ जाएगा, 6 × 35। लोगों की गलती, इसलिए कहते हैं बोर्ड मास का रूल यूज करना चाहिए और इसका इससे आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता है। अब आप ऐड करो कितना आ रहा है आपका, 12 × 12 = 24 और 2 = 26। देखो उस तरीके से आपको 4 एक्स्ट्रा आ रहा था और इस तरीके से आपको 26 आ रहा है। आपको गलती जैसे आप करते हो वो भी आपको सिखा रहा हूँ कि आप क्या गलती करते हो और सही कैसे करना वो भी आपको सिखा रहा हूँ, तो दोनों चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो कंपेयर करो उसको, सीखो आप लोग कैसे गलती करते हो। पहले आप लोग ऐड कर देते हो फिर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, वो सबसे बड़ी गलती है। वैसे आपको नहीं करना बिल्कुल भी, पहले आपको करना होता है जैसा बोर्ड मास में लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। और बोर्ड मास का रूल सबसे सिंपल है भैया, आप लोग फालतू में कहाँ कहाँ कन्फ्यूज होते हो कि क्या होता है क्या होता है, कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा ऐसा तोप नहीं है, ठीक है? बहुत ईजी होता है। देखो आगे, डी मीन्स क्या होता है, डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड का साइन कैसे होता है? ऐसे कुछ होता है। जब ऑफ सॉल्व कर लिया उसका डिवाइड आएगा आपका, फिर उसका आता है एम से, मीन्स एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है भैया? मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है जल्दी बोलो, कमेंट बोलो जल्दी से। मल्टीप्लीकेशन साइन कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करने के बाद आपको आ जाना है एडिशन पर। ए मीन्स एडिशन, सिंपल सा ऐड लिख देता हूँ यहाँ पर। ऐड मतलब प्रचार, मत समझ लेना, ऐड है, ठीक है? एडिशन, ठीक है, लिख देता हूँ पूरा, कहीं कुछ छोटी से मिल लेंगे। तो यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है? और एस का मतलब होता है सब्स्ट्रैक्शन, यानी कि घाटा। हिंदी लिख देता हूँ पूरा, घाटा, पहले लोग हिंदी वाले देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पर लिख देता जमा, ये होता है जमा आपका, ये होता है आपका गुणा। क्या होता है? गुणा, ठीक है? हिंदी इंग्लिश सबको समझ में आना चाहिए, पहली बात तो मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी, हिंदी इंग्लिश सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है? फिलहाल मैं चेक कर रहा हूँ कि लाइव कहीं एंड तो नहीं होगा ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, एंड काफ़ी चेक करना पड़ता है कहीं एंड ना हो जाए, पता क्या कि स्टोरेज मतलब फुल हो जाएगा ना, कुछ ऐसा सीन है। आज ये प्रॉब्लम आ रही है पर ऐसा कल से प्रॉब्लम नहीं आने वाला बिल्कुल भी। देखो यहाँ पर गुणा हो गया आपका और बाकी इसका मतलब डिवाइड था, यानी भाग हो गया इसका मतलब, ठीक है? जितने मैं इधर उधर जाता हूँ ना, मैं उतने मताल दिया करो, ठीक है? खाली मुझे बैठा करो, फटाफट लिखाते जाऊँगा, फटाफट भाग करते मतलब रब करते जाऊँगा। फिर का मतलब पता ही क्या होता है, गुणा होता है, और बी का मतलब ब्रैकेट होता है, पता ही ना आपको ब्रैकेट क्या होता है, ठीक है? ओके, उतारो जल्दी से, 30 सेकंड दे रहा हूँ आपको, आप आपके जो भी डाउट हो आप लिख दीजिए फटाफट, आपकी कमेंट देख रहा हूँ फिलहाल में, जल्दी अब आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं, आपके कमेंट मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? जो भी डाउट आया आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, इसके बाद करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, अनलिमिटेड क्वेश्चन करने वाले, ठीक है? जितने कर सकते हैं इस वीडियो में, जब तक लाइव रहेंगे तब तक खूब धमाकेदार क्वेश्चन करते आएंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, 100% कह रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। और आप ध्यानपूर्वक सुन रहे होगे तब मेरी बातों को, और साथ में कॉपी लेकर बैठना है, अगर खाली हाथ बैठो तो तुरंत निकल जाओ, ठीक है? खाली हाथ बिल्कुल नहीं बैठना है मेरी लाइफ में, याद रखना, और मेरी क्लास में खाली तो बिल्कुल नहीं बैठना है। साथ में ग्राफ, नोटबुक और पेन होना चाहिए और हाथ चलते रहने चाहिए जब बोलूँ, जब पढ़ा और जब मैं क्वेश्चन दूँ तो आपके हाथ चलने चाहिए तुरंत। और आप लोग शुक्र के ऑफलाइन में नहीं हो तो बहुत बिटाई खाते हैं, पूछो ऑफलाइन वाले बच्चों से, जल्दी उतारो उसको फटाफट फास्ट। जल्दी 30 सेकंड आपके पास सिर्फ है,
मात्र 30 सेकंड में आपका हो जाना चाहिए।